हरियाणा के सोनीपत जिले के जठेड़ी गांव में जन्मा संदीप जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद जठेड़ी के नाम से जाना जाने लगा। बाद में उसके नाम के साथ काला भी जुड़ गया, जिसके बाद जुर्म की दुनिया में उसे काला जठेड़ी के नाम से जाना जाने लगा। इकतीस गंभीर मामले दर्ज, 7 लाख का इनामी बदमाश। काला जठेड़ी पर 13 हत्या, 4 हत्या का प्रयास समेत 31 संगीन अपराध करने के आरोप हैं। हरियाणा पुलिस ने उस पर 7 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। केबल ऑपरेटर से मोस्ट वांटेड तक। 12वीं पास संदीप उर्फ काला जठेड़ी सबसे पहले केबल ऑपरेटर की नौकरी करता था, जहां से उसने क्राइम की दुनिया में कदम रखना शुरू किया। लूट, हत्या, एक्सटॉर्शन जैसे मामले काला जठेड़ी पर दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और हरियाणा के अलग अलग शहरों में दर्ज हैं। सितंबर 2004 को दर्ज हुआ पहला केस। जठेड़ी के खिलाफ पहला केस 29 सितंबर 2004 को दर्ज हुआ था। सिरसापुर इलाके में अपने साथियों के साथ एक शख्स का मोबाइल छीनकर भाग रहे काला जठेड़ी को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में उसके खिलाफ दिल्ली के समयपुर बादली में पहली FIR दर्ज हुई, लेकिन जेल से छूटने के बाद काला जठेड़ी ने लूटपाट, हत्या और हत्या की कोशिश जैसे कई वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते काला जठेड़ी एक गैंग का मुखिया बन गया और विवादित संपत्तियों और जबरन उगाही के धंधे में भी शामिल हो गया। विदेश में बैठकर चला रहा है लॉरेंस बिश्नोई का भी गैंग। हरियाणा पुलिस के मुताबिक संदीप उर्फ काला जठेड़ी विदेश से अब कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भी ऑपरेट कर रहा है। काला जठेड़ी की मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हरियाणा में ऑपरेट करने वाले कुख्यात बदमाश संपत नेहरा से हुई। उसके बाद उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग में सोनीपत के ही रहने वाले राजू बसोदी और अक्षय पलड़ा के साथ साथ कई नामी बदमाशों की एंट्री उत्तर भारत के सबसे बड़े गिरोह में करवाई। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल अजमेर जेल में बंद है और इसी वजह से संदीप उर्फ काला जठेड़ी अपने और लॉरेंस बिश्नोई दोनों के गैंग को ऑपरेट कर रहा है। बताया जाता है कि इस गैंग में 100 से ज्यादा बड़े बदमाश शामिल हैं। ২০০৯ में रखा था गंभीर अपराध की दुनिया में कदम। सोनीपत के एक साधारण परिवार से ताल्लुकात रखने वाला तीन भाइयों में सबसे बड़ा भाई संदीप उर्फ काला जठेड़ी ने 2009 में पहली बार अपराध की दुनिया में कदम रखा था। रोहतक में एक शख्स की हत्या को अंजाम देकर उसने अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनने की राह चुन ली और फिर उसने एक के बाद एक 13 हत्या की वारदातों को अंजाम दे डाला। गिरफ्तार होने पर गैंग हो गया था कमजोर। उसके बाद दिल्ली NCR में दहशत फैलाकर बड़े बड़े उद्योगपतियों से वसूली करने का जिम्मा काला जठेड़ी ने निभाया, लेकिन इसी बीच हरियाणा STF ने थाईलैंड से इस गैंग के मुख्य शूटर राजू बसोदी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इनके गैंग की मजबूती दिल्ली NCR में खत्म होने लगी।
इसके बाद ही काला जठेड़ी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथियों ने फिल्मी स्टाइल में पुलिस कस्टडी से भगाया। हालांकि काला जठेड़ी पुलिस की गिरफ्त में ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाया। उसके गैंग के साथियों ने फरीदाबाद पुलिस की कस्टडी से काला जठेड़ी को फिल्मी अंदाज में फरार करा लिया। पुलिस के आला अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि काला जठेड़ी भी राजू पसोदी की तरह नेपाल के रास्ते बैंकॉक भाग गया। वहीं से अब वो दिल्ली एनसीआर में अपने गुर्गों की मदद से दहशत फैलाने का काम कर रहा है। दो जिलों की पुलिस ने रखा है इनाम। काला जठेड़ी पर फरीदाबाद पुलिस ने 5 लाख और गुरुग्राम एसटीएफ ने 2 लाख रुपयों का इनाम रख रखा है। इसी के साथ साथ उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अब काला जठेड़ी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मकूका के तहत भी एफआईआर दर्ज कर ली है। हरियाणा ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने भी रखा है 1 लाख का इनाम। काला जठेड़ी पर दिल्ली पुलिस ने भी 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। जठेड़ी दिल्ली के अलावा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहा है। दिल्ली के ज्यादातर बदमाश फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन काला जठेड़ी पुलिस के हत्थे नहीं लगा। दुबई मलेशिया में छिपा है काला जठेड़ी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक काला जठेड़ी कभी दुबई तो कभी मलेशिया में बैठकर हिंदुस्तान में अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है।